हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 11.4। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इस एक्सरसाइज में से आपको लॉन्ग आंसर्स आएंगे, इसलिए अच्छी तरह प्रैक्टिस करके ही जाना और आपको अच्छे मार्क्स देने वाला एक्सरसाइज है। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, और जो नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलते रहे। और इससे पहले के सारे एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, स्मार्ट बैच कहकर वहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। 1 के अंदर फर्स्ट बिट देखिए दे रखा है, इवेल्युएट करना है इसको। तो दे रखा है ये 1 प्लस टैन टीटा प्लस सेक टीटा, 1 प्लस कॉट टीटा माइनस कोसेक टीटा, ये आपको इवेल्युएट इसको करना है। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए हम यहां पर सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 1 प्लस टैन टीटा का फॉर्मूला साइन टीटा बाई कॉस टीटा, ये आपके पास ऑलरेडी है कॉस टीटा। सेक टीटा को 1 बाई कॉस टीटा आप लिख सकते हैं। फिर उसी तरह 1 प्लस कॉट टीटा को कॉस टीटा बाई साइन टीटा माइनस कोसेक टीटा को 1 बाई साइन टीटा लिख सकते हैं आप। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखिए यहां पर 1 डालेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे कॉस टीटा, कॉस टीटा 1 जा कॉस टीटा, कॉस टीटा कैंसिल साइन टीटा, कॉस टीटा कैंसिल 1। यहां पर भी 1 डालेंगे, एलसीएम साइन टीटा 1 जा साइन टीटा कैंसिल कॉस टीटा, साइन टीटा कैंसिल 1। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, देखिए साइन टीटा कॉस टीटा प्लस साइन टीटा और साइन टीटा प्लस कॉस टीटा एक जैसे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको एक जगह लिखेंगे, इस तरह ब्रैकेट बनाएंगे हम, कॉस टीटा प्लस साइन टीटा, आप लिख सकते हैं इसको कॉस टीटा प्लस साइन टीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, बाय कॉस टीटा साइन टीटा एज इट इज, ये एज इट इज। अब देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, प्लस 2ab 2 कॉस टीटा साइन टीटा माइनस ए 1 जा 1 बाय डिनोमिनेटर कॉस टीटा साइन टीटा एज इट इज। अब यहां पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ये आपको पता है साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज 1 रख सकते हैं, प्लस ये एज इट इज 2 कॉस टीटा साइन टीटा माइनस 1 एज इट इज, डिनोमिनेटर भी एज इट इज कॉस टीटा और साइन टीटा। यहां पर देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉस टीटा साइन टीटा बच जाएगा बाय कॉस टीटा साइन टीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2, ये आपका आंसर है। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिट देखेंगे हम, सेकंड देखिए क्या दे रखा है यहां पर, साइन टीटा प्लस कॉस टीटा होल स्क्वायर साइन टीटा माइनस कॉस टीटा होल स्क्वायर, ये हम इसको सॉल्व करेंगे। साइन टीटा प्लस कॉस टीटा यहां पर रखेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइन टीटा प्लस कॉस टीटा होल स्क्वायर साइन टीटा
माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखते ही समझ आ जाएंगे, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये प्लस आर माइनस ले लेंगे तो ताकि आपको दोनों का भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आर माइनस टू ए बी। तो मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, टू ए बी हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया प्लस ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस टू ए बी टू साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरह आप लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको माइनस कॉस थीटा साइन थीटा ये और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो रिमेनिंग बच जा रहा है आपको लिखना है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों को ऐड कीजिए वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, यहाँ पर लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये फॉर्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये वन हो जाएगा प्लस ये भी वन हो जाएगा, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू, यही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड बिट है देखिए इसका क्या दे रखा है, थर्ड बिट यहाँ पर हम ले लेंगे सेक स्क्वायर टीटा माइनस वन कोसेक स्क्वायर टीटा माइनस वन, ये अब इस वाले को बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सेक स्क्वायर टीटा माइनस वन का फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है, सेक स्क्वायर टीटा माइनस वन इज इक्वल टू टैन स्क्वायर टीटा, कोसेक स्क्वायर टीटा माइनस वन का फॉर्मूला कॉट स्क्वायर टीटा, ये दो फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको हम जस्ट क्या करना है फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट आपको करना है, इसकी प्लस में रखेंगे टैन स्क्वायर टीटा, कोस स्क्वायर की प्लेस में रखेंगे कॉट स्क्वायर टीटा, ये टैन स्क्वायर टीटा कॉट स्क्वायर का रिसिप्रोकल वन बाई टैन स्क्वायर टीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बच जाएगा वन, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बिट देखिए, शो दैट वाले क्वेश्चन यहां से आपको स्टार्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शो दैट कोसेक टीटा माइनस कॉट टीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टीटा बाई वन प्लस कॉस टीटा। देखिए इस वाले टाइप के क्वेश्चंस में आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ कीजिए या राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कीजिए, कोई भी आप ले सकते हैं। अगर इस वाले क्वेश्चन को अगर ईजी करना है तो आर एच एस ले लीजिए क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपको ईजी बन जाएंगे, आर एच एस है वन माइनस कॉस टीटा बाई वन प्लस कॉस टीटा, ये आपको आंसर प्रूफ करना है। अब देखिए ये आर एच एस ले लिया, यहां पर लिखेंगे वन माइनस कॉस टीटा बाई वन प्लस कॉस टीटा, इसको रेशलाइज करने पर वन माइनस कॉस टीटा बाई वन माइनस कॉस टीटा हो जाएगा। अब देखिए वन माइनस कॉस टीटा टू टाइम है, वन माइनस कॉस टीटा इंटू वन माइनस कॉस टीटा इस तरह लिखेंगे बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हो जाएगा। अब यहाँ पर वन माइनस कॉस टीटा कितने टाइम है, टू टाइम है, तो वन माइनस कॉस टीटा होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ये वन वन जा वन माइनस कॉस स्क्वायर टीटा, यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा वन माइनस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टीटा, ये आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है, तो अब इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर आप यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वन माइनस कॉस टीटा होल स्क्वायर एज इट इज, वन माइनस कॉस स्क्वायर टीटा की जगह साइन स्क्वायर टीटा। अब देखिए स्क्वायर दोनों के ऊपर भी है इसलिए आप दोनों को एक ब्रैकेट ले सकते हैं, वन माइनस कॉस टीटा बाई साइन टीटा होल स्क्वायर, इस तरह आप लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए वन माइनस कॉस टीटा होल स्क्वायर भाई, अब इसको सेपरेट करेंगे वन बाई साइन टीटा सेपरेट, कॉस टीटा बाई साइन टीटा सेपरेट,
ऊपर होल स्क्वायर। 1 by sin थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। यही आपको आंसर बताना है। देयरफॉर RHS इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ले लेते 1 minus cos theta by 1 plus cos theta। तो LHS क्या आ गया हमको, LHS आ गया यहाँ से cosec theta माइनस cot theta होल स्क्वायर। तो लास्ट में देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आप लिख सकते हैं। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए। शो दैट अंडर रूट 1 plus sin a by 1 minus sin a इज इक्वल टू सेक टैन ए आपको लाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट 1 plus sin a by 1 minus sin a, ये आंसर आपको प्रूफ करना है। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू ये ले लेंगे अंडर रूट 1 plus sin a by 1 minus sin a, इसको रेशनलाइज करेंगे। तो ये रूट को यहाँ तक हम ले लेंगे, ये 1 plus sin a हो जाएगा रेशनलाइज करने पर, बाय नीचे 1 plus sin a हो जाएगा, इस तरह आप ले लेंगे। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, देखिए 1 plus sin a 2 times है, 1 plus sin a होल स्क्वायर हो जाएगा ये, बाय ये a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में हो जाएगा ये, इज इक्वल टू अंडर रूट ये एज इट इज रखेंगे 1 plus sin a होल स्क्वायर by 1 minus sin a स्क्वायर ये हो जाएगा ये। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 minus sin a स्क्वायर इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर a, ये फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है पहले से, ये फार्मूला। तो यहाँ पर अप्लाई हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये न्यूमरेटर एज इट इज 1 plus sin a होल स्क्वायर by ये कॉज स्क्वायर a। अब देखिए दोनों के ऊपर भी स्क्वायर है तो इसलिए हम एक रूट लेकर स्क्वायर पूरों को ले लेंगे, 1 plus sin a by cos a लेके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 1 plus sin a by cos a बच जाएगा, इसको सेपरेट करना है आपको, 1 by cos a plus sin a by cos a, ये आपको सेपरेट करना है। अब सेपरेट करने पर क्या हो जाएगा, 1 by cos a का रेसिप्रोकल हो जाएगा sec a, sin a by cos a का हो जाएगा, यहाँ पर आप sin a by cos a इज इक्वल टू tan a, sec a tan a, ये हो जाएगा RHS। देखिए यही आंसर आपको प्रूफ करना है, sec a tan a, तो वही आंसर हमको यहाँ पर आया है। इसलिए देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, शो दैट 1 minus tan square a by cot square a minus 1 tan square a, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, फोर्थ वाले का लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन है 1 minus tan square a by cot square a minus 1, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको प्रूफ करना है tan square a। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, 1 minus tan का साइड हमको पता है साइन स्क्वायर टीटा बाई कॉज स्क्वायर टीटा, tan a का साइन बाई कॉज है तो साइन स्क्वायर बाई कॉज स्क्वायर a आप लिख सकते हैं, ये cot square a है तो इसको cos square a by sin square a आप लिख सकते हैं माइनस वन, ये दो फॉर्मूले आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर 1 डालेंगे, यहाँ पर 1, LCM यहाँ पर हो जाएगा cos square a, cos square a बन जा cos square a माइनस 1 into sin square a sin square a by यहाँ पर LCM हो जाएगा sin square a, 1 इंटू कॉज स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बनजा साइन स्क्वायर ए, ये फ्रैक्शन डबल है तो इसलिए न्यूमरेटर ये फ्रैक्शन सेम लिखेंगे, कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई
कॉस स्क्वायर ए इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरह आप लिखेंगे। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बच रहा है साइन स्क्वायर ए, यहाँ से बच रहा है कॉस स्क्वायर ए। आपको पता ही है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए हो जाएगा ये, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फार्मूला अवेलेबल है साइन टीटा बाई कॉस टीटा इज इक्वल टू टैन टीटा, ये फार्मूला। तो इसी फॉर्म में हम लिखे तो इसको हम दे देंगे आर एच एस, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह आप इसको लिखना है। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, शो दैट वन बाई कॉस टीटा माइनस कॉस टीटा इज इक्वल टू टैन टीटा साइन टीटा, आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम, वन बाई कॉस टीटा माइनस कॉस टीटा है ये लेफ्ट हैंड साइड, देखिए यहां पर वन डालेंगे एलसीएम हो जाएगा कॉस टीटा, वन वन जा वन माइनस कॉस टीटा कॉस टीटा कॉस स्क्वायर टीटा, आपको पता ही है फॉर्मूला वन माइनस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टीटा, ये आपको पता ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये वन माइनस कॉस स्क्वायर टीटा को हटाकर आप रख सकते हैं साइन स्क्वायर टीटा भाई, यहाँ पर है कॉस टीटा, यहाँ पर साइन टीटा टू टाइम है, तो इसलिए आप क्या करेंगे साइन टीटा इंटू साइन टीटा आप लिख सकते हैं बाई, यहाँ पर है कॉस टीटा, साइन टीटा बाई कॉस टीटा हो जाएगा टैन टीटा, ये साइन टीटा अकेला है, तो यही आपको आंसर प्रूफ करना है टैन टीटा साइन टीटा, इसलिए इसको हम दे देंगे आर एच एस, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप ये लिख सकते हैं इस तरह, आप इसको डाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सिक्स्थ, क्या दे रखा है यहाँ पे, सिंप्लीफाई है ये, प्रूफ दैट नहीं सिंप्लीफाई, तो क्या करना है सेक ए इंटू वन माइनस साइन ए, यहाँ पर लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, सेक ए वन माइनस साइन ए सेक ए प्लस टैन ए, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये ब्रैकेट वैसे रखेंगे, सिर्फ इसको चेंज करेंगे, ब्रैकेट ओपन कीजिए, सेक ए वन जा सेक ए माइनस सेक ए साइन ए, सेक ए साइन ए एज इट इज, ये ब्रैकेट वैसे रखिए, सेक ए प्लस टैन ए, ये सेक ए एज इट इज माइनस सेक को आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं वन बाई कॉज ए लिख सकते हैं इंटू साइन ए, क्योंकि सेक का रिसिप्रोकल है, ये sec a प्लस tan a। अब देखिए sec a माइनस साइन टीटा बाई कॉस टीटा इज इक्वल टू टैन टीटा, फिर यहाँ पे ए एज इट इज sec a प्लस tan a, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में sec a sec a sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, फॉर्मूला sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास वन, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट साइन ए प्लस कोस ए के होल स्क्वायर कॉस ए प्लस ए के होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन प्लस टेन ए कॉट ए होल स्क्वायर, आपको लाना है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, इसका लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है साइन ए प्लस कोस ए होल स्क्वायर प्लस कॉज ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, ये आपका गिवन है। अब देखिए ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है दोनों भी, तो आप ए प्लस बी होल स्क्वायर में आप ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इस फॉर्म में आपको लेना है, तो यहाँ से हम लिखेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, टू ए भी हो जाएगा टू साइन ए कोसेक ए, फिर ये भी एज इट इज ए स्क्वायर हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए, बी स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, टू ए भी हो जाएगा टू कॉज ए सेक ए, इस तरह हम लिखे। अब क्या कीजिए आप,
ये साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर को एक जगह लिख लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए एक जगह लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर एक जगह लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए एक जगह लिखेंगे। उसके बाद ये रिमेनिंग टू साइन ए कोसेक ए उसी तरह प्लस टू कॉज ए सेक ए एक जगह लिखेंगे। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए साइन स्क्वायर डीटा प्लस कॉस स्क्वायर डीटा इज इक्वल टू, हमेशा हम ले रहे हैं वन। कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपके पास है यहाँ पर, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला है वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये दोनों के फॉर्मूले आपके पास बन रहे हैं, इसका भी फॉर्मूला है इसका भी फॉर्मूला है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये टू साइन ए कोसेक का रेसिप्रोकल वन बाई साइन ए प्लस टू कॉज ए सेक का रेसिप्रोकल वन बाई कॉज ए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉज ए साइन ए कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए वन प्लस टैन स्क्वायर ए, यहाँ से बजाएगा टू, यहाँ से बजाएगा टू, वन और वन टू, टू और वन थ्री, थ्री और टू फाइव, फाइव और टू सेवन, तो यहाँ पर हो जाएगा सेवन। और बचा यहाँ पे प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए, देयरफॉर आर एच एस इज इक्वल टू, अब सेवन प्लस इस तरह लिखेंगे टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आपको आंसर प्रूफ करना है। तो इसलिए देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह आप कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम, एट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई। फिर दोबारा से यहाँ पे सिंप्लीफाई दिया है आपको, ओनली सिंप्लीफाई आपको करना है। क्वेश्चन नंबर एट क्या दे रखा है, देखिए एट में वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर वन वन जो वन, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू वन बाई, इसको रेसिप्रोकल वन बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा वन। इस तरह आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू पी है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। तो क्या दे रखा है, गिवन सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू पी दे रखा है। तो यहां पर आपको लिखना है वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये हमको पता ही है, ये फॉर्मूला है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इस तरह लिखेंगे इसको, इज इक्वल टू वन। ये फॉर्मूले को हम इस तरह एक्सपेंड कर लेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू गिवन है पी, ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू वन, देयरफॉर आप लिख सकते हैं आप सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू वन बाई पी, यही आपको आंसर फाइंड आउट करना है। चलिए टेंथ क्वेश्चन देखिए, इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू के है, तो प्रूफ दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस वन बाई के स्क्वायर प्लस वन। इसके अंदर आर एच एस लेके ये प्रूफ करेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेंथ, यहां पर हम लिखेंगे गिवन कोसेक थीटा उसी तरह प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू के गिवन है,
तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले RHS ले लेंगे, RHS, ये RHS है, के स्क्वायर माइनस वन बाई के स्क्वायर प्लस वन, के स्क्वायर माइनस वन बाई के स्क्वायर प्लस वन, इसलिए हम RHS ले रहे हैं क्योंकि k की वैल्यू गिवन है। k क्या है यहाँ पर, ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर माइनस वन एज इट इज, फिर इसकी प्लस में दोबारा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, इस तरह आप k की वैल्यू ले सकते हैं। अब देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर में ही है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये फॉर्मूले में आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस टू ए बी हो जाएगा टू कोसेक थीटा कॉट थीटा, फिर माइनस वन एज इट इज, ये भी एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये भी एज इट इज है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू कोसेक थीटा कॉट थीटा, ये प्लस वन। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये माइनस वन कैंसिल होना है तो यहाँ पर कहाँ पर प्लस वन आएगा, ये प्लस वन कैंसिल होना है तो यहाँ पर कहाँ पर आपको माइनस वन आ जाएगा, चेक करना है आपको। अगर यहाँ पर आपको प्लस वन माइनस वन है, प्लस वन आना है, तो आप कोसेक को चेंज करेंगे, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर टीटा बनेगा, उसी तरह कॉट स्क्वायर को अगर आप चेंज कर रहे तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर टीटा माइनस वन हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप यहाँ से कोसेक को बदलेंगे, यहाँ से कॉट को बदलेंगे, ये दोनों को बदलकर हम ले लेंगे। अभी कोसेक को बदलेंगे तो वन प्लस कॉट स्क्वायर टीटा, ये एज इट इज रखिए, प्लस कॉट स्क्वायर टीटा प्लस टू कोसेक टीटा कॉट टीटा माइनस वन एज इट इज, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर टीटा ये हटा देके ये रखेंगे, प्लस कोसेक स्क्वायर टीटा माइनस वन, फिर ये एज इट इज टू कोसेक टीटा कॉट टीटा प्लस ए वन, ठीक है। सिर्फ इसको यहाँ से हम बदले, इसको यहाँ से बदलकर ये फार्मूला इसकी प्लेस में लिखे, ये फार्मूला इसकी प्लेस में लिखे, रिमेनिंग एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो रहा है, कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू कॉट स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से टू कोसेक टीटा कॉट टीटा बाई, यहाँ से कोसेक कोसेक क्या हो जाएगा, टू कोसेक स्क्वायर टीटा, प्लस यहाँ से टू कोसेक टीटा कॉट टीटा बच जाएगा, यहाँ से टू कॉट टीटा कॉमन ले लेंगे, टू कॉट टीटा कॉमन, तो एक और कॉट टीटा बच जाएगा क्योंकि टू कॉट टीटा कॉट टीटा कॉट स्क्वायर, ये टू और कॉट टीटा कॉमन आ गया तो कोसेक टीटा बच जाएगा, यहाँ से टू कोसेक टीटा कॉमन ले लीजिए, एक और कोसेक टीटा बच जाएगा, टू और कोसेक टीटा कॉमन आया तो कॉट टीटा बच जाएगा। देखिए यहाँ पर एक कॉट टीटा कोसेक टीटा ये दोनों कैंसिल, ये टू और टू भी कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा यहाँ पे, कॉट टीटा बाई कोसेक टीटा, ये एरो डाल लीजिए सभी को। अब कॉट टीटा का फॉर्मूला कॉस टीटा बाई साइन टीटा, कोसेक टीटा का फॉर्मूला वन बाई साइन टीटा, ये एज इट इज लिखेंगे, कोसेक कॉस टीटा बाई साइन टीटा, इसको उल्टा कर दीजिए, साइन टीटा बाई वन, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा कॉस टीटा, ये आप देख सकते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि आपको यही प्रूफ करना है कॉस टीटा। लास्ट में देयर फोर आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। देखिए इस वाले एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइन्थ भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करना है, सेवन्थ भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से थ्री और टू ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इतने क्वेश्चन यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है, और यहाँ से एक क्वेश्चन लेना है आपको फर्स्ट क्वेश्चन। उसी तरह एग्जाम्पल 15 ये देखिए, ये भी आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है ये एक्सरसाइज में से, और रिमेनिंग एक्सरसाइज में तो मैंने ऑलरेडी बतलाया है। तो ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर इसी तरह बने रहना, बेस्ट ऑफ लक।